आया था ना आपका नाला शेफाली, शेफाली के सॉरी शेफाली जरीवाला के हस्बैंड, तो ये लोग भी उसको कुछ भी बोलते हैं यार जो घर में। और पराग सर ने भी बाहर एक वीडियो बनाया था कि आसिम तू मुझको मिलो, पब्लिसिटी ले रहा है वो भी यार, जबरदस्ती की पब्लिसिटी है ना अब क्या है, फिनाले में घुस के मारूंगा। बाकी उसने भी अगर फिनाले में तूने नहीं मारा तो तेरा करियर खत्म है पराग, खत्म खुदा की, मतलब पब्लिक पेकू पेकू बोलेगी तेरे को, और असीम के फैन बहुत हो गए देखने के, ले नहीं ले तेरे को। सबसे शानी प्लेयर है वो, नहीं नहीं फेक ड्रामेबाज या गेमर, एंटरटेनर गेमर, सी इज अ गेमर एंटरटेनर है, उसको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला अंदर ही उसको मालूम पड़ गया कि शुक्ला हीरो है असीम दूसरा हीरो है। मैंने बोला था ना पहले दिन ही इंटरव्यू में, ट्रायंगल है दो हीरो एक हीरोइन, ये तीनों फिनाले में खड़े होंगे, है ना फिनाले में, इनको कोई हटा सकता है फिनाले से तीनों को, क्योंकि तो गेमर है लोग। देखो शनाज असीम से भी दोस्ती है, वहां भी दोस्ती है, हाँ वो उसको भी यार क्या यार पराग मिला भाई, ये कैसा वीडियो था और ओवर एक्टिंग इतना किया पराग तूने क्या यार पराग यार इतना भी कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है, और असीम मेरा भाई है यार, असीम तक पहुंचने के लिए तेरे को पहले एजाज खान पे आना पड़ेगा, आई एम श्योर यू विल नॉट कम टू मी। फिनाले पे आप खड़े रहोगे मतलब भाई, हाँ फिनाले में असीम के लिए मैं असीम के साथ खड़ा हूँ, इंतजार करोगे कि पराग सर आएंगे, अरे यार कोई नहीं आएगा, एजाज खान खड़ा है तो कोई आता है क्या, पराग से भी अपने को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चा है रे पराग, तू उससे कहाँ लड़ेगा बाबा।